सिक्स और सेवन्थ क्लास के स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स जो पुस्तिका है आपके ब्रिज कोर्स कार्य पुस्तिका जिसमें आपके गणित के सिक्स क्लास और सेवन्थ क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस को पूछने का तरीका है वो है आपके कि आपके अंदर समझ को बनाना, आप समझ पाए कि दैनिक जीवन में हमारे गणित किस प्रकार से काम आती है। तो इस कोर्स में मैं आपको स्टार्टिंग कर रहा हूँ यहाँ पे प्रपत्र 29 से, तो आपको ये देखना है पूरा और समझना है। मैं इसमें एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाऊँगा। जो भी बच्चे क्लास सिक्स और सेवन्थ में पढ़ रहे हैं उन दोनों के लिए एक ही बुक है आपके ब्रज कार्य पुस्तिका। तो अभी हम पेज नंबर 29 जो कार्य पत्रक आपका 29 है उसको सॉल्व करेंगे। ये पत्रक 29 अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपके दे रखा है, क्वेश्चन को समझो पहले कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि नीचे दी गई संख्या जो है आपके नीचे दी गई संख्या को विस्तारित रूप में लिखिए। अब देखो एक संख्या दे रखी है आपके 7247। अब इसको हिंदी में बोलेंगे हम कि 7247 रुपये। तो यहाँ पे देखो दो संख्याएँ भर के दी आपको 240, यानी कि आपको यहाँ पे क्या लगाना है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपके उसमें लिखा गया आपके जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कार्यपत्रक 29 है और इसमें कहा गया कि आपकी दक्षता 2, 3, 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के आधार पे आपको समझना है व इसको लिखना है। तो इसमें आप क्या हो जाओगे, दक्ष हो जाओगे, यानी आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे संख्या आपको दिखा रखी है कितनी, 4 की, 4 अंकों की एक संख्या है। नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप से लिखिए। तो ये है आपके 7247 यानी कि 7247। ठीक, यहाँ पे इसमें ये बॉक्स बना दिए आपके सामने 4, 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से इस संख्या को क्या डिवाइड कर दिया है कि 7247। ठीक, अब किसी व्यक्ति को अगर आप 7247 कुछ भी सामान देते हो या रुपए देते हो, जैसे हम रुपए की बात करें तो इस बॉक्स में कहा है कि पहले आप 7000 रुपए दोगे, तो 7 के आगे आपने क्या है 000 लगा देना है, इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है। 7 के आगे इतनी जीरो आ जाएगी 1, 2, 3, तो ये तो 7000 हो गया। फिर उस व्यक्ति को अगर आपने 7247 रुपये देने, तो एक तो 7000 रुपये दे दिया आपने, फिर उसको 200 रुपये दे दिए, फिर उसको 40 रुपये दे दिए, अब और कितना बाकी बच रहा है, 7 रुपये। तो इस तरीके से ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो दो जो बॉक्स दे रखे हैं आपके, दो बॉक्स तो भरे हुए हैं, यानी आपके दो बॉक्स तो भरे हुए हैं। ये वाले जो बॉक्स हैं आपके 240, यानी 240 रुपये का बॉक्स तो भरा हुआ है। आपकी तरफ से आपने क्या भरा है, आपकी तरफ से जो आपने भरा है वो दो बॉक्स भरे हैं आपने। कौन से बॉक्स भरे हैं, दो, एक तो ये 7000 का और आपने 7 रुपये का। तो पहले का आंसर सबको समझ में आ गया कि आपको क्या भरना है, एक तो भरना है आपको क्या, ये 7000 वाली संख्या, और एक भरनी है आपको 7 वाली संख्या, क्योंकि 240 ये दो संख्या पहले से भरी हुई है। तो पहला क्वेश्चन सबके समझ में आ गया होगा। यो दूसरा क्वेश्चन है आपके कि 8963 यानी कि आपके 8963। अब इस बॉक्स में क्या है कि लास्ट वाली दो संख्या भरी हुई है, यानी कि 60+3=63 ये भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको भूल जाओ, लास्ट वाली संख्या हो। अब आपको कितना भरना है, 8900, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने, जैसे मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, जैसे कि आपको पता है कि दो संख्याएँ भरी हुई है 60 और 3, 60 और 3 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 63, हम जानते हैं। अब 63 को इसमें से माइनस कर दो,
8963 में से 63 भरा हुआ है, इसको माइनस कर दो। तो इसको हम माइनस करेंगे 63 को, ठीक है। तो आपके क्या बचेगा, 63 ये तो दोनों जीरो हो गए, 3 में से 3 गए तो आपके जीरो, 6 में से 6 गए तो भी जीरो। तो यहाँ पे क्या आएगा 9 और यहाँ पे क्या आएगा 8। अब यहाँ पे दो बॉक्सेस बता रखे हैं 1, 2। तो देखो अब इसमें से अगर मैं 900 और माइनस कर देता हूँ तो आपके क्या बचेगा ओनली 8000। अरे ये बचेगा ना, जीरो में से जीरो जीरो, जीरो में से जीरो जीरो, नौ में से नौ यानी 9 में से 9 गया तो भी जीरो। तो देखो तो ये जो तीसरा बॉक्स है इसमें आपकी कौन सी संख्या आएगी, 900, 900, ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा होगा। और ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें कौन सी संख्या आ जाएगी आपके, 8123 यानी 8000। तो इस तरीके से 8963 रुपये को आप इस तरीके से किसी को दे सकते हो। उसको पहले बोलो ये 8000 पकड़, फिर ये 900 रुपये पकड़, फिर 60 रुपये और ले, और ये तेरे 3 रुपये। तो तुम इस तरीके से उसको कितना अमाउंट दे रहे हो, 8963। तो आपके अंदर ये समझ विकसित की जा रही है कि हम अमाउंट को इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हिसाब किताब करते हैं हमारे घर वाले, हम जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अब है मैथमेटिक्स के अंदर आपके कि 5320 रुपये, ठीक है। मैं रुपये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता है कि घर में जब भी हिसाब किताब होता है तो रुपये में इस प्रकार से ही होता है। अब देखो इसमें एक भी बॉक्स भरा हुआ नहीं है, अब आपको सारे बॉक्स आपके मन से भरने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें से जीरो घटा दें इस पूरी संख्या में से, 5000 आपके 320, इसमें से अगर जीरो गया, ठीक है, ये जीरो वाला हटा दो आप, तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, आपने जैसे कि 20 घटा दो आप तो क्या बचेगा इसमें, यहाँ पे पूरी संख्या क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 20 घटा देना है। तो 20 आपने यहाँ लिख दिया, 20 घटाने पर जो संख्या बची वो कौन सी बची आपके, 5300। तो यहाँ पे जीरो लिख दिया आपने फर्स्ट में, अब जो संख्या बची वो कौन सी बची, 5300, क्योंकि यहाँ पे दोनों जीरो आ गई ना ये। अब 5300 में से क्या घटा देना है, 300, तो 300 इस बॉक्स में लिख दो, ठीक है। अब कितनी संख्या बची है आपके, 5000, तो 5000 फर्स्ट वाले बॉक्स में लिख दो। मैं आपको जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वो रटा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ। रटना नहीं है किसी भी बच्चे को, क्या करना है ये सारे क्वेश्चन समझने, क्योंकि समझोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लास्ट में कहोगे सर आपने कुछ समझाया ही नहीं, हम पढ़े कैसे। तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन मुझे पता है कई बच्चों को समझ में नहीं आया इसलिए मैं इसको दोबारा समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है हमारे पास में कि आपके पास जो संख्या है वो दे रखी है 5320 रुपये, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 5320 इसमें से अगर मैंने 20 घटाया, 20 माइनस किया, तो 20 को मैंने यहाँ लिख दिया जीरो, तो मैंने सबसे फर्स्ट में लिख दी। फिर क्या करते हैं हम, 20 घटाते हैं तो कितनी बचती है, 5, 3, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 2 में से 2 गया तो जीरो। अब आपको पता है कि ये संख्या बच रही कौन सी आपकी, 5300 यानी 5300। अब इसमें से मैं माइनस करता हूँ कितना, 300 और माइनस करता हूँ, तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो, जीरो में से जीरो गया तो जीरो, 3 में से 3 गया तो कितना हुआ, जीरो, ठीक है। अब कितना, 5। तो ये जो मैंने घटाया 300, इसको मैंने यहाँ लिख देना है 300। अब लास्ट में जो बचा है उसको मैं यहाँ लिख दूंगा 5123, यानी कि 5320 रुपये की बात की जा रही है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपके चौथा क्वेश्चन, ठीक है, कि 3099 रुपये। अब इसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखो जैसे कि संख्या हमें जो दे रखी है वो पता है कि 3099 रुपये दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये 9 उतार देना है यहाँ पे। अब आप समझ विकसित कर सकते हो कि सपोज करो मेरे पास ये संख्या है तो सबसे पहले मैं माइनस करता हूँ 9, ठीक है। अब 9 माइनस करता हूँ तो मैं 9 को यहाँ लिख देता हूँ पहले बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आया 0, 9 में से 9 गया तो कितना बचा, 0। अब 9 में से ये 0 तो ये 9 तो एज वेल एज उतरेगा, और ये 0 और ये 3, ठीक है। अब इस 9 को तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 90, इस 0 को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, 3000, ठीक है। यानी कि आपके इस तरीके से ये सॉल्यूशन निकल के सामने आएगा, क्योंकि इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो अब मैं इसको पूरी तरीके से यहाँ पे 3 के आगे 3000, ये 0, ये आपके 90, 90 और ये 9,
तो अब इसमें से सपोज करो मैंने दूसरी संख्या जो लिखा है ना यहाँ पे, ये सेकंड नंबर पे, इसको लिखता, इसको माइनस करता हूँ 90 को, तो 9, 9 में से 9 गए तो 0, और ये 0 का 0 और ये 3, तो ये आपके सामने चौथी संख्या आ गई है। तो इस तरीके से बॉक्स में आपको संख्याएं जमानी है, समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं बस रटने में लगे हुए, रटोगे तो फिर पछताओगे कि सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया, इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे से क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अब आगे हैं आपके, इसको मिटा रहा हूँ, आप उतार लेना इस चीज़ को। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 5 कि यहाँ पे संख्या दे रखी है आपके कौन सी, 182, ठीक है। अब 182 जो संख्या दे रखी है आपके, ये जो संख्या है, ये संख्या इनको प्लस करने के बाद आनी चाहिए। तो आपको पता है कि 80 को और 2 को, यानी कि इन दोनों को प्लस करोगे 80 को और 2 को, तो कितना आएंगे 82। अब इसमें कितना जोड़ा जाए कि संख्या कितनी आ जाए, 182, ठीक है। तो 182 में से 82 को क्या करो, माइनस कर दो, तो 182 माइनस 82 तो 0, 8 में से 8 गए तो 0, और फिर क्या आएगा 100। तो इसमें अगर आपने 100 प्लस कर दिया तो आपकी संख्या आ जाएगी 182। ये सॉल्यूशन निकाल दिया मैंने कि आपकी ये जो संख्या है, इस संख्या में से ये दोनों संख्याओं को प्लस करके जोड़ोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी 100 वाली। अब यही चीज़ हम इसमें दोहरा लेते हैं वाला, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 70, फिर आपको खाली स्थान दे दिया कि कुछ ऐसा जोड़ो यहाँ पे कि ये वाली संख्या आए, तो फिर आपके 4000 यानी कि 4000 यानी कि 4000 आपको दे दिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4000, फिर उसके बाद में 70, तो इन दोनों को जोड़ दो, 0, 7 का 7, 0 का 0 और 4 का 4, ठीक है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हमें जो संख्या चाहिए वो संख्या क्या चाहिए आपको, 4, यहाँ पे संख्या चाहिए 770, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या दे रही है वो देखो, ये देखो तीन संख्या, तो हमने तीनों संख्या लिख दी। अब ये जो संख्या है, ये वाली दी नहीं है, पर हम हमारी मर्जी से लगा रहे हैं यहाँ पे। अब आप ये सोचो कि 4070 में कितना जोड़ा जाए कि वो संख्या 4770 हो जाए। तो आपको पता है कि या तो ये जो संख्या है हमारे सामने 4770, या तो इसमें से इस 4070 को माइनस करो तो यहाँ वाली संख्या आएगी इस जगह वाली, और या फिर आप क्या करो अंदाज से यहाँ पे जोड़ो। तो हम क्या करते हैं, हमें अंदाज का पता नहीं चलता, ये जो हमारी फाइनल वैल्यू वो तो यहाँ आएगी, यहाँ हमने 4 उतार दिया, ठीक है। तो अब हमारी जो टोटल संख्या आई वो आई आपके 4770, यानी 4770। अब 4770 में से हम 4070 घटा रहे हैं तो यहाँ वाली संख्या आ जाएगी दूसरी वाली। तो ये देखो, इसको घटा के देखो, 4000 और आपके 70, घटाओ इसको, 0 में से 0 गया और आपके 7 में से 7, तो ये भी 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 7 में से 0 तो 7 ही रहेगा, और 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि आपकी वो जो संख्या है जो सेकंड नंबर पे आएगी वो कितनी आएगी, 700, 700। तो इसको लिख दो आप, दिक्कत क्या है आपकी, 700 लिख दो इस जगह पे। तो यहाँ पे हमने लिख देना क्या, 700। अब देखो, रटोगे ना किसी चीज़ को तो कोई समाधान नहीं है। आपने इससे पहले जितने भी कार्यपत्रक देखे हैं वो रटे हुए देखे होंगे, तो रटना नहीं है, हमें क्या करना है, समझना है। समझोगे नहीं तो फिर आगे के लिए मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया, अगर किसी को नहीं आया तो वीडियो को रोको, बैक करो, फिर देखो। अब यहाँ पे जो संख्या बताई गई है वो बताई है 9347। अब 9347 में कितना जोड़े कि यहाँ पे टुकड़ों में वो जोड़ आना चाहिए, तीनों जगह टुकड़ों में आना चाहिए वो जोड़, कि संख्या फाइनली क्या आ जाए आपके, 9347, ठीक है। तो 9347 एक संख्या आपको दे रखी है, कितनी, 300, तो माइनस कर दो इसको, तो 74, 3 में से 3 गया तो 0, अब 9, यानी कि 9047, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 9000 यहाँ रख दो, 1, 2, 3, 9000 तो ये रख दिया,
और क्या करना है कि 40 यहाँ रख दो और 7 यहाँ रख दो। अब जोड़ के देख लो, आपको खुद को ही पता चल जाना है कि ये हमारा सही है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे हमने फर्स्ट में रख दिया आपके कि 9000 आप रख सकते हो, फिर आपके 300, फिर आपके 40, इस तरीके से किसी भी तरीके से संख्या को रख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 9000 यहाँ फर्स्ट में रखना, आप चाहो तो यहाँ 7 की जगह रख सकते हो, आप चाहो तो 7 को 40 की जगह रख सकते हो, 40 को यहाँ रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो किसी भी प्रकार से। ठीक है, बस फाइनल जो जोड़ आना चाहिए वो 9047 आना चाहिए। अब हम जोड़ के भी देख लेते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारी जो फाइनल आंसर दे रखा है वो क्या दे रखा है आपके कि 9347। ये वैल्यू आपको लानी है, इस बॉक्स वाली वैल्यू को लानी है। आपको मान दे रखा केवल कितना 300 का। अब 300 में सबसे पहले आप प्लस करो 9000, तो संख्या आई 9300। तो यहाँ तक की बात हो गई। फिर इसमें प्लस करो 40, तो संख्या आई 9340। फिर इसमें 7 प्लस करो, अब संख्या आई आपके 7439। और यही तो हमारा आंसर है, 9347 9347, यही तो हमारा आंसर है। तो एक एक संख्या को जोड़ते जाओगे तो फाइनल वैल्यू आपको आ जाएगी। ये इतने सीधे क्वेश्चन हैं कि प्रैक्टिस करोगे तब जाके ही आपको ये क्वेश्चन आने हैं, बिना प्रैक्टिस के वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। ठीक, अब है आपके क्वेश्चन नंबर, ये दोनों हो गए आपके, अब है आपके क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो गया आपके 4, 6, 4, 5, 6, 7, 8, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे कोई संख्या आपको दी नहीं है, इधर प्लस करवाना है, इधर कोई संख्याएं दे रखी है उनको प्लस करके यहाँ पे कुछ प्लस आपको लाना है। ये भी देखो, ये सवाल इसके जैसे है, सेम टू सेम। ये फर्स्ट सवाल था ना हमारा 6 नंबर का, इसका जैसा सवाल है। ये बहुत इजी सवाल है, ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन इससे इजी कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने वहाँ पे आपके 6 नंबर क्वेश्चन में दिमाग लगवाया आपका, वैसे ही आप इसको सॉल्व करो। जैसे हम कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दो संख्याएँ दे रखी है, एक तो 7000 यानी 7000 और 7 दे रखा है। ठीक है, दो संख्याएँ आपको दे रखी है। अब आपको दो संख्या अपनी तरफ से ऐड करनी है, यहाँ पे कुछ मान आपको लिखना है। ठीक है, प्रेडिक्ट करके लिखना है। तो पहले तो इन दोनों संख्याओं को क्या करो, जोड़ो 7, इसी तरीके से जोड़ो ऐसे ऐसे संख्या दे रखी, फिर 7 और फिर आपको 987। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ लो आप, यानी कि आपके 9 और 7 कितने हो जाएंगे आपके 6, हासिल की 1। फिर 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पे कोई हासिल नहीं बचेगी क्योंकि 9 हमने इसमें ऐड कर दी। फिर आपके 7 और फिर लास्ट में आपके 7। तो ये जो आपके संख्याएं आई है, ठीक है, ये वाला मान आ गया हमारे पास में, ये जो संख्या आई है हमारे पास में वो कितनी आई है आपके, यानी कि 7769, ये वाली संख्या आपको आई है। अब देखो यहाँ पे जो संख्या आ रही है वो आ रही है आपके 789, यानी कि यहाँ पे 789 तक मिल रही है, 6 का अभी तक कोई जिक्र नहीं है। तो हमें कुछ ऐसी संख्या आपको जोड़नी है जिससे कि यहाँ पे आपके फाइनल जो वैल्यू है वो भी बने, पर फाइनल में हमारे पास आ रहा है 7, इसलिए इस 89 को तो हम रख नहीं सकते। फिर भी देखते हैं देखो क्या आता है आपके, जैसे कि यहाँ पे आपको करना है 7, फिर 8 और फिर 9, और फिर ये फाइनल में आपको क्या लाना है ये अभी तक पता नहीं है। तो हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमारी फाइनल वैल्यू इसको मैच करें। ठीक है, चलो देखते हैं दोबारा से आपके, ये तो बिल्कुल सही जोड़ा है 9 और 7 16 6 ही आना चाहिए इस जगह, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है आपके। इसमें जोड़ के देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ करो 90, क्योंकि यहाँ पे 90 ही चाहिए आपको, और यहाँ पे जैसे हम जोड़ देते हैं क्योंकि ये 90 का बनेगा लास्ट वाला कॉलम आपका, और यहाँ पे 8 आ रहा है, तो यानी 8 के आगे 2 0 और लगनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, यहाँ पे लास्ट में 7 आया, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 90 और यहाँ पे आएगा आपके 800, तो ये 90 और ये 800। अब इन तीनों चारों को जोड़ लो, जो आएगा वो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। जोड़ के देख लेते हैं हम, देखो घबराना नहीं है इन क्वेश्चंस में, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और मैथ में तो बिना दिमाग लगाए कुछ होता ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपने बड़ी संख्या रखनी है 7000,
फिर उससे छोटी संख्या रखनी है आपको 800, फिर उससे छोटी संख्या रखनी है आपको 9, और फिर लास्ट वाली संख्या रख दो आप क्या 7। अब जो मेरा प्रेडिक्शन था वो 7, ठीक है, फिर आपके पहले नंबर पे 7, दूसरे नंबर पे 9, तीसरे नंबर पे 8, और सबसे लास्ट में 7। तो देखो 7, 8, 9 ये तो दे ही रखा है, अब आपकी तरफ से आपने क्या ऐड कर देना है 7, जो हमारे यहाँ पे संख्या क्या आ रही थी 6, तो हमारा प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकला है, तो हमारा आ जाएगा 6 की जगह क्या आ जाएगा 7। अब कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, पर इसमें क्या थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना ही पड़ेगा। आगे हैं आपके कि 5678, अब बात की जा रही है आपके 5678, तो यहाँ पे देखो दो संख्याएं दे रखी हैं आपके कि 70 और ये, यानी कि आपको ये 78 वाला तो सॉल्यूशन दे दिया है, यानी 70 और 8 कितने होते हैं 78, अरे जोड़ लो 7 और 8 कितना हो गया 78, यानी कि अब हिसाब किताब किसका बचा है 5600 का, अरे बचा नहीं बचा, तो एक तरफ लिख दो 5000, ये 5000 लिख दिया हमने, अगर 5000 इसमें से माइनस कर दोगे आप तो कितना बचेगा 600, तो दूसरी संख्या में लिख दो क्या 600। अब चारों को जोड़ लो, क्योंकि बिन अगर जोड़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि हमारा ये सही है कि नहीं है, तो हमने इसमें लिखा था कितना आपके 600, इसमें लिखा 600 और इसमें लिखा हमने 5000, तो 5600, फिर आपके 70 और फिर आपके 8 जोड़ लो, इधर क्या आ जाएगा 8, इधर क्या आ जाएगा आपके 7, इधर क्या आ जाएगा 6 और इधर क्या आ जाएगा 5, 5678 हमारी संख्या मिल रही है, यानी हमारा आंसर राइट है, ठीक है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर आपके हो गया है 5, 6, 7, 8, 9, 10, अब आपके क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11, बहुत सीधा क्वेश्चन है, डायरेक्ट उठा के रख दो। सबसे पहले आपके बड़ी संख्या उठाओ 3000, 3000, फिर आपके 500, फिर आपके 00 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर लिख दो सीधा 8, तो 8, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 का 0, फिर 5 का 5, फिर 3 का 3, इतना सीधा क्वेश्चन दिया ही क्यों है, आराम से निकाल लोगे, ठीक है। अब है इसके बाद में आपके क्वेश्चन नंबर 8, 400 और आपके 9000 और 700, यानी कि 8, 400, 9000 और 70, इसको भी जोड़ दो 1, 2, 3, देखो जब भी जोड़ते हो तो ये संख्या उसी क्रम में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बड़ी संख्या 4 को 3, ठीक है, फिर इसके नीचे आपको 70 और सबसे नीचे 8 रख दो, सबसे पहले इन 0 को 0 से जोड़ 0, या नीचे क्या आया 8 रख दो, फिर 0 को 0 से 0, फिर 7, फिर 4 और फिर 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके 4, 9, 4, 7, 8। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक, अरे किसी को कोई समस्या है यहाँ तक तो पूछ लो मेरे से, आपने जहाँ से भी डेस्क वर्क वगैरह भरवाई है अगर वहाँ से गलत भर ली है तो सही कर लो, वरना गलत ही रहेगी आपकी चीज़ें, क्योंकि गलती करोगे तो समस्या आएगी आपकी। फिर आगे क्वेश्चन है आपके कि 9820, तो सबसे पहले लिख दो 9000, फिर लिख दो 800, फिर लिख दो क्या आप 20 और फिर लिख दो 0, बात खत्म, जोड़ के देख लो 9000, फिर आपके 800, फिर आपके 20 और फिर आपके 0, सबसे पहले 0, फिर आपके 20, फिर आपके 8, फिर 9, तो इस तरीके से इसको कर लोगे, टुकड़े कर लोगे। फिर है आपके कि 1003, ठीक है, अब 1003 को आप कैसे लिखोगे कि एक बार 1000 लिख दो ऐसे 1, 2, 3, ठीक है, फिर 0, 0 लगा दो और फिर आपको लगा देना है 3, जोड़ लो 1000 और 3 सबसे पहले लिख दो और फिर नीचे लिख दो 0, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 3 का 3, ठीक है, फिर 1, 0 ये वाली, फिर 1, 0 ये वाली, फिर 1, तो ये हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। अब है आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके वो दे रखा है आपको 6500, तो 6500 में भी सेम है कि आपको क्या करना है 6000 एक बार लिख दो आप इस तरीके से 6 के आगे 3, 0 इस टाइप से, और 500 लिख दो और फिर 0,
इसी तरीके से आपको क्या लिखना है, 3000, फिर आपके क्या लिख देना है 20, और फिर क्या लिख देना है इसमें आपके 9, और यहाँ क्या लिख देना 0, मिला लो आप चाहो तो। 3000, 20, 9 और 0, तो आपको पता है कि ये 9 का 9 यहाँ आपके क्या हो जाएगा, 9 का 9 यहाँ पे दो नंबर पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे तीन नंबर पे क्या आ जाएगा ये वाला 0, और फोर नंबर पे आ जाएगा 3। तो ये संख्या मिल गई हमारी चैप्टर से। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करवाया है, ये अपने आप में इतना अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद में आपका ब्रेन खुल जाएगा कि हाँ इस तरीके से मैथमेटिक्स होती है। तो इसी तरीके से सारे बच्चे आपको काम करना है, कोई भी बच्चा रटेगा नहीं क्वेश्चंस को, जैसे मैंने करवाया वैसे ही करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कुछ संख्या दे रखी है कि 1000, सैकड़ा, इकाई, दाई। अब इसमें क्या है, आपको चीज़ें जमानी है कि यहाँ पे दाई कितना होगा, इकाई कितना होगा, ये आपको समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो संख्या है इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, ठीक है। तो 1000 कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, 3000, क्योंकि इसमें 3 है, इसको टुकड़ों में करूँ तो ये 3000, ठीक है। और इसमें 3000 क्या हो जाएंगे आपके, इस तरीके से लिख दोगे 3000 यहाँ पे, इसमें क्या आ जाएगा 3, सैकड़ा 3 दे ही रखा है 300, ठीक है, इसको सैकड़ा बोलते हैं, 100 और 3, ठीक है। अब इकाई, इकाई भी कितना हो जाएगा आपके, यानी कि इकाई कितना हो जाएगा 6, इकाई दाई पे कितना है 5 दे रखा है, तो आपको तो दो ही तो भरने कि इकाई पे संख्या कौन सी है 6 नंबर की, और 1000 पे संख्या कौन सी है आपके 3 नंबर की। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000। अब मैं इसको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आपके दिमाग से ये चीज़ें निकलेंगी नहीं। देखो ये हमारी संख्याएँ दे रखी है, सबसे पहले आता है आपके इकाई, फिर आता है आपके क्या दाई, फिर आता है आपके सैकड़ा, और फिर आता है 1000। इकाई का मतलब संख्या कितनी हो 1, दाई का मतलब संख्या कितनी हो 2, और सैकड़े का मतलब संख्या कितनी हो 3, ठीक है, संख्या कितनी हो 3, इस तरीके से 3, और 1000 का मतलब संख्या कितनी हो 4। अब देखो चौथे नंबर पे जो संख्या आ रही है वो कितनी है 3, और पहले नंबर पे जो संख्या आ रही है इकाई पे वो संख्या कितनी है 6, तो आंसर आपके दो ही है। दाई का मान तो दे रखा है, दो नंबर पे संख्या कितनी है आपके 5, तो दाई, तीन नंबर पे संख्या कितनी है आपके सैकड़ा, तो आपके 3 दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको संख्याओं का पता लगाना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से आपको संख्याएँ आगे से आगे चलानी है, जो हम 6th क्लास के पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर आपको दिया गया है कि दी गई संख्याओं में 9, 8, 7, 8, तो सबसे पहले 8। अब 8 क्या है, अब इकाई 8 है, ठीक है, तो दाई क्या है आपके, दाई 7 है, एक नंबर पे इकाई पे 8 है, दाई यानी दो नंबर पे क्या है आपके 7 है, तो तीन नंबर पे भी क्या है आपके 8 है, तो तीन नंबर क्या हो गया आपके सैकड़ा, 8 क्या है सैकड़ा, फिर 9 क्या है आपके 1000, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जिन्होंने इकाई दाई नहीं पढ़ा है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो कि आपको संख्याएँ यहाँ पे भी कुछ नहीं लिख रखा है, आपको यहाँ पे भी संख्या लिखनी है और इनसे भी मिलान करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, संख्याएँ लिखनी है जिससे आपको ये नॉलेज हो कि भाई संख्याएँ आएंगी कैसे। जैसे इसको तो आपने सॉल्व कर दिया दोनों क्वेश्चन को, अब दी गई संख्या, अब यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं दी गई, कि यहाँ पे तो कोई संख्या ही नहीं दी गई। अब जब संख्या ही नहीं दी गई तो अपनी तरफ से लिखेंगे हम, तो दी गई संख्या खाली स्थान में 3 इकाई है, यानी इकाई पे क्या लिख दो 3, और दाई क्या है 9, दो नंबर पे 9 लिख दो, और सैकड़ा क्या है आपके 6, तो लिख दिया हमने 693। अरे इकाई का मतलब एक नंबर पे कौन बैठेगा 3, दाई का मतलब दो नंबर पे कौन बैठेगा आपके 9, और सैकड़े का मतलब तीन नंबर पे कौन बैठेगा आपके 6, हो गया इसका आंसर, किसी को कोई समस्या नहीं होगी इसमें। अब है आपके कि क्वेश्चन नंबर आपके गह दे रखा है
कि 9 उसके आगे आपको जगह छोड़ दी है, फिर वापस जगह छोड़ दी है, फिर 0 दे दिया है। यानी कि यहाँ पे इकाई में कौन है आपके 0, दहाई पे कौन है 5 दे रखा है ना, दहाई लिख रखा है, तो इकाई पे क्या लिख दोगे 0, फिर सैकड़ा पे क्या है आपके 2 नंबर, और हज़ार पे कौन है आपके 9 नंबर। इतना इजी क्वेश्चन है आपके, कोई समस्या ही नहीं है इसमें। तो 9000 और 200 यानी कि आपके 9250 ये पूरी संख्या का मान है। इकाई पे कौन बैठा है 0, ठीक है, और दहाई पे कौन बैठा है 5, और सैकड़ा यानी 3 नंबर पे कौन बैठा है आपके 2, और 4 नंबर यानी आपके हज़ार पे कौन बैठा है 9। इतना सीधा क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन देखो, आगे का क्वेश्चन है आपके रे वाला कि संख्या 56 बता रखी है। अब ये कह रहे हैं कि सैकड़ा, सैकड़ा आपको पता है तीसरे नंबर पर आता है, तो लिख दो 2 के बाद तीसरा। यहाँ पे इकाई क्या है 6 है, तो इकाई 6 लिख दो। यहाँ पे दहाई क्या है 5 है, और 3 क्या है हज़ार, यानी कि 3 क्या है हज़ार, तो आप यहाँ पे लिख दो। तो 3756 ये पूरी संख्या का मान है। बताओ कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, इतना इजी क्वेश्चन है ये भी। फिर है आपके कि संख्या है आपके 6322, ठीक है, तो 6322 यानी कि 6332, तो ढाई 2 नंबर पे ढाई है, ठीक है, सैकड़ा यानी कि 3 नंबर पे, यानी तीनों संख्याओं में लास्ट वाली कौन सी है 3, हज़ार पे कौन है आपके 6, और 2 क्या है आपके इकाई है, ये भी 2 नंबर पे इकाई, तो ढाई और इकाई ये भी आपके 2 नंबर ही है आपके, ठीक, तो ये भी हो गया आपके 6। अब संख्या दे रखी है आपको, इसमें आपको इकाई ढाई सब बताना, तो सबसे पहले हम बता देते हैं 8 क्या है, 8 एक नंबर, ये इकाई भी है और ये क्या है ढाई भी है, ठीक है, तो 8 क्या हो गया आपके इकाई हो गया, ठीक है, और ढाई यानी 2 नंबर पे भी कौन है आपके इकाई है आपके ढाई, और सैकड़े पे कौन है आपके 4 नंबर सैकड़ा, और आपके हज़ार पे कौन है 1 नंबर 1000, तो 1488। अब बताओ यहाँ तक के क्वेश्चंस में किसी को समस्या, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपके सामने कौन सा सेकंड, इसमें लिख रखा है कि 945 621 117 34 274 और 821, निम्न में से दी गई संख्याओं के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ऊपर आपको ये संख्याएं दे रखी है, इनके आधार पर हमें क्या बतानी है, नीचे के क्वेश्चंस बताने हैं। ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेवन थर्ड, ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव नंबर क्वेश्चन। पहला है कि 40 यानी कि 10 और 40 यानी कि 10 और आपके 40, इनके बीच की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख लो गिन लो। तो आपको पता है कि एक मिनट इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं जिससे आपके हर बच्चे की समझ में आए। सबसे पहले तो 10 वाली संख्या देखो, तो 10 वाली तो कोई संख्या ही नहीं है, तो 10 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, यानी कि 10 संख्या हम यहाँ मान सकते हैं, ठीक है, 9 से बड़ी 10 होती है, ठीक है, लिख दिया हमने। अब 40, 40 का मतलब 10, 40 का मतलब इससे बड़ी 34 से बड़ी, तो 34 से बड़ी 40 है, और 9 यानी 10, 10 और 40 के बीच जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी आपके 34, तो पहले का आंसर लिखोगे आप क्या 34, क्योंकि 40 से तो छोटी हो, 10 से क्या हो बड़ी, तो इन दोनों के बीच की संख्या कौन सी आएगी यहाँ पे 34, तो एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 900 से बड़ी संख्या इस पूरी टेबल में कौन सी है हमारे पास में, तो पहली संख्या ही हमारी कौन सी है 945, 900 से बड़ी है। फिर है कि यह संख्या 448 और 776 के बीच में आती है। अब 448 और 776 के बीच में, तो 776 और 448 के बीच वाली संख्या देखो कौन सी है, तो वो संख्या तो आपको दिख रही है स्पष्ट, कौन सी हो जाएगी आपके 621, 621 देखो 776 से तो क्या है छोटी है, और 448 से क्या है बड़ी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 621, यानी कि 448 से बड़ी और
796 यानी 796 796 से छोटी। फिर है कि 800 यानी 800 से बड़ी और 900 से छोटी, यानी 800 से बड़ी और 900 से छोटी। तो ऐसी तो एक ही संख्या हमारे पास 821। फिर है आपके कि 235 से बड़ी यानी इससे बड़ी, 35 से बड़ी, 235 से बड़ी और 392 से छोटी, यानी कि आपकी ये वाली जो संख्या इससे छोटी। तो इससे छोटी आपको बचाए इसके 20 वाली संख्या तो ये रही 274। तो ये आपका पहला पत्रक मेरी तरफ से क्या हो गया है, तैयार हो गया है और ये आज की डेट में मैंने तैयार आपको करवा दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसी पत्रक को करो बाकी, ये तो मैं फर्स्ट में बताया आपको, तो इस पत्र को करने के बाद बताओ कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। बाकी हम इसके बाद में 30 करेंगे, फिर उसके बाद में आपके 31 करेंगे, फिर आपके 32 करेंगे, लेकिन